सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। स्थानीय सर्किट हाउस में झारखंड विकास मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष मुरारी पांडे ने किया। इस दौरान झारखंड विकास युवा मोर्चा में करीब सैकड़ों युवाओं ने पार्टी से जुड़े। वहीं मुरारी पांडे ने बताया कि जिस तरह से युवाओं का रुझान बाबूलाल मरांडी की ओर बढ़ रहा है, यह दर्शाता है कि अब झारखंड में भाजपा की सरकार से लोग नाखुश हैं और झारखंड विकास मोर्चा के साथ जुड़ रहे हैं। वहीं पार्टी के जिला महासचिव दयानंद सिंह ने बताया कि भाजपा के राज में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ गया है। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार की काफी कड़ी निंदा भी की। पार्टी को मजबूत करना, झारखंड विकास मोर्चा को मजबूत करते हुए और राज्य में जो भ्रष्टाचार आज देख रहे हैं कि इतना न्याय करने के बाद भी बलात्कार अत्याचार पर आप आज जल्दी देखे हैं छतरपुर की घटना जो दिल दहला देने वाला है। महिला क्या कहते हैं आदिवासी महिला को दिन दहाड़े रात में करके बलात्कार करके और रोड पर छोड़ देना और कोई उठा कर उसको न ले जाना, उसमें आपका भी एड एक बहुत अच्छा है। आप लोग जैसे लोग अगर मीडिया का ये करेंगे तो जरूर देश का कल्याण होगा।